कौन सा लेना है भाई? सर का तो फिर लेने के। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए। और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं एंड वीडियो का सारा काम तो कंप्लीट हो गया। एक्चुअली आज सुबह मैं थोड़ा एडिटिंग किया है क्योंकि रात को काफी ज्यादा लेट हो गया था, सुबह वही जल्दी उठकर एडिट कर रहा था। तो अभी आज का भी प्लान है हमारा एक शोरूम जाने का हिलसा, तो देखिए जा पाते या नहीं। और बाकी सुबह सुबह तो कुछ ऐसा है और ठंडी भी तो काफी ज्यादा है ना भाई साहब? मुझे ठंडी काफी ज्यादा लग रहा है लेकिन इसे नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि मैं देखिए दो को पहन लेते ज्यादा ठंडा लगता है। तुम्हारा पहन लो, स्वेटर वूटर पहन लो, ऐसे ठंडे में देखो तो जमीन पर पैर रखने का मन नहीं कर रहा। उसको देखो, दो तीन स्वेटर पहन लिया, देखो उसको उसे कुछ शरीर में दर्द वर्द हुआ कि ना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा कहा हुआ कैसे? बढ़िया है, बढ़िया है। पेट हो गया? किनके लिए खाना निकाल रहे अपना? ये भूखड़ के लिए। कितना खाता सुबह सुबह खाने पर ध्यान है? अभी हम फिलहाल ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया। हाँ, भूखड़ देखिए, आकर पढ़कर आकर खाना भी खाने लगा है। अब भूखड़ कहें तो उसका सर इन लोगों भी कमेंट में करके बताएंगे भूखड़। भूखड़ तो इतना खाता ही है तो फिर भी ना उठाता है। तो बाइक लेना है कि ना? हाँ। फिलहाल बाहर का कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, वैसे फॉग तो नहीं लगा हुआ है बट ठंड काफी ज्यादा लग रहा है। हवा चल रहा है एकदम ऐसा ना कि मतलब खतरनाक वाला हवा चल रहा है। भाई साहब दो तीन रोज से कपड़ा ऐसे पड़ा हुआ मेरा, ओह माय गॉड, भींगा हुआ। आज मार्केट जाना है और जैकेट भी पूरा देखो भींगा हुआ है। ज्यादा पैसा लिए होता ना पूनम बोले, ज्यादा पैसा नहीं लीजिएगा क्योंकि कपड़ा का कलर गिर गया है। इसका भी कलर देखिए पूरा गिर गया बिल्कुल, और इस शर्ट का भी कलर गिर गया है। अब पैसा की बात नहीं है, हमको कपड़ा में ठग देता है, सही बात है। मम्मी का एक बिजनेस सिखाते हैं आप लोगों को, ये तो वैसे जानते ही होंगे। ये है बिजनेस, दूध को दही बनाकर सेल करते हैं। वो सरसों में देने वाला ठंडा में तो ठंडा ठंडा चावल खाकर ठंडा लग गया है। फुल डेडिकेशन अभी पढ़ने में लगा हुआ है और आजकल पढ़ाई पापा ध्यान दे रहा है। क्यों? वैसा मुंह पर बेइज्जती करता, समझ रहे हो ना आप लोग? चलो फिर अभी थोड़ा सा ठंडा कमेगा तो चलेंगे। अंदर से एक्साइटमेंट है गाड़ी लेने का, अभी जाकर पता कर रहे हैं, देख रहे हैं। किस लिए पता है? ठंडा और गाड़ी के लिए। फाड़ देगा हमारे साथ हो गया ये पूरा बिल्कुल। तो फाइनली अभी चल रहे हैं मार्केट, ठंड है वैसे, इतना ज्यादा ठंड लग रहा है ना। मैंने जूता पहता हुआ, ऊपर से हुड्डी, अंदर से दो इनर अंदर से मार लिया। इसको देखिए, ये फैशन से चूर आदमी है। मैं इस अंदर इनर है। मैं अभी सोच रहा हूँ ना कि ठंड लग रहा तो थोड़ा सा दौड़ लूँ ना तो ठंड कम लगा ना। कौन आदमी बोला था? कोई बोला था कि ठंड लगेगा तो थोड़ा डांस कर लेगा तो ठंड कम लगेगा। मैं किसी के वीडियोज में देखे थे हम शायद, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। सरल जोशी क्या? पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है बट देखे थे किसी के वीडियो। हमारा फोन का बैक टेम्पर ग्लास इस तरह से टूट गया गिर गिर कर, मतलब ये फोन इतना गिरा है ना कि मतलब हालत खराब हो गया। आज कवाड़ना पड़ जाके देखते हैं मार्केट में टेम्पर ग्लास भी लगवाएंगे पीछे वाला। तो यहाँ पर विकास को ना बाल बाल बनाना था तो बाल बाल कटा लिया एंड अभी अपडेट चल रहे हैं हिलसा। देखिए भाई साहब अभी टाइम भी काफी ज्यादा हो रहा है। अभी फिलहाल इधर ही उतर गए हैं, यहाँ पर है एक यामाहा का शोरूम, तो पहले वहाँ पर जाकर पता करते हैं। यामाहा में भी एक बाइक है मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। कौन सा लेना है भाई? लेने के तो पूरा करो, पूरा मन ले ले। इसमें ना ये वाला अच्छा लग रहा है ना, सोंडी सब। यहाँ पर तो पूरा कार्बन फाइव, पता नहीं कौन कौन सा बाइक है, उतना हमें नाम भी नहीं पता है ना। तो यहाँ पर मुझे पसंद है MT-15 ये वाला बाइक ना बेटा, ये वाला इसका लुक ना बहुत डेंजरस लगता है बिल्कुल वाला गजब वाला। इसी के बारे में पता करते हैं और ये ना बिल्कुल KTM ड्यूक वाला फीलिंग देता है। यहाँ से जो
जानकारी लेना था वो हमने ले लिया और देखते हैं डिसाइड करते हैं घर पे जाके। अभी फिलहाल जा रहे हैं टीवीएस का शोरूम, यहाँ पे भी है तो टीवीएस में भी पता करते हैं। मतलब अभी दिमाग में कन्फ्यूजन भर रहा है कि यहाँ पर आए तो दो गाड़ी पसंद है उसको भी देखना, और टीवीएस में गए तो टीवीएस दो गाड़ी है उसको भी पसंद करना, तो जाके देखते हैं। वहाँ पे है टीवीएस शोरूम, यहाँ पे बजाज का शोरूम, पल्सर तो पसंद ही नहीं है भाई साहब, पसंद ही नहीं भाई साहब, तो जाना बेकार है, यहाँ पर चलते हैं। अभी एक्चुअली विकास का जो गाड़ी है ना अपाची, वो यहीं से ले गए थे, तो एक बार जान पहचाने तो बात कर लेते हैं। दोनों जगह देखने के बाद हम डिसीजन लिए हैं, बाइक तो पसंद आ गया और लेना भी है, तो कौन सा बाइक लेना है वो आप लोगों को 4 से 5 दिन के अंदर पता चलेगा, तो बस वेट कीजिए आप लोग। काफ़ी टाइम से भूख भी लग रखा, तो इधर गोलगप्पा चल रहा है। सो एक्चुअली गाइज अभी हम फिलहाल घर आ चुके हैं बाइक देखने के बाद, तो यहाँ पर ये चेक कीजिए सभी लोग भाई लोग मिलने आ गए हैं। एंड क्या नाम है भाई आपका? दिनेश कुमार ब्लॉग। अच्छा अच्छा, आपका भैया? मेरा यहाँ गॉड कृषि ब्लॉग से। अच्छा अच्छा, मेरा आर्या नाम है और मेरा द क्लियर ब्लॉग है। तो भैया लोग आए हैं, काफ़ी टाइम पहले आए थे और हमें तो भाई साहब पैदल आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। कहाँ से आए आप लोग? इस्लामपुर से आए। अच्छा, गोमहर इस्लामपुर है, इधर ही नजदीक है। और ये भाई काफ़ी पूरा से पूरा कितना किलोमीटर है यहाँ से पड़ता? बिहार शरीफ से दोगुना है। बिहार शरीफ से दोगुना ना, तो भाई ये भाई काफी दूर से आया है, तो फिलहाल अभी नाश्ता पानी कीजिए। भाई लोग से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो भाई लोग जा रहे हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे जल्द, ठीक है, मिलते हैं फिर, फिर मिलते हैं जल्द। तो एक और भाई आए हुए थे, इनका थोड़ा सा घर दूर है तो अभी फिलहाल जा रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, चलिए संतोष जा रहा है भाई को छोड़ने, क्योंकि अभी भाई सब इसी वजह से मुझे गाड़ी लेने का मन है, क्योंकि जो लोग मिलने आते हैं ना उनको मैं छोड़ नहीं पाता, क्योंकि मेरा गांव ना काफी अंदर है मार्केट से, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी फिलहाल संतोष जा रहा है साइकिल। और हाँ गाइज, बस ये आप लोग का प्यार है यार, इस तरह से आप लोग घर पे मिलने आते तो बहुत अच्छा लगता। इवन तो अभी साग तोड़ने में लगा, भैया साग तोड़ रहा है, पूनम भी साग तोड़ने में लगा, बथुआ खतुआ। भाई साहब ये देखिए अनार का पेड़ तो काफी ज्यादा, पता है स्टार्टिंग में लगा मेहंदी के पेड़ है, रूही बोली की नहीं अनार का पेड़ है। फिलहाल सब लोग तो चले गए एंड भूख भी काफी जोर से लगा, सुने कि कोई भाई लोग घर पे आए हुए हैं तो बाजार से जल्दी जल्दी आए और उस दौरान खाना भी नहीं खाए। अभी संतोष को छोड़कर चला आया ना, छोड़ दिया ना? हाँ, चलिए कहाँ छोड़ा, मार्केट में? हाँ। बस छोड़ा दिया। हाँ। चलिए ठीक है। खाना वाना खाने के बाद हम सो गए, एंड एक्चुअली क्या होता है ना कि रात को 2 बजे तक 1 बजे तक करना पड़ता है एडिटिंग वगैरह ना, तो रात को सही टाइम पर नींद नहीं पड़ता ना, तो शाम को मतलब सोने का आदत हो गया मेरा कि सब चीज करने के बाद 3 बजे के बाद ना 1 घंटा सो जाता है, 1 घंटा के चक्कर में 3-4 घंटा लटक जाता है, तो कुछ टाइम पहले उठे। एक्चुअली एडिटिंग के चक्कर में खाना भी खाना भूल जाते हैं कभी कभी, जब एडिटिंग सब चीज हो जाता उसके बाद यहाँ अचानक आज खाना वाना नहीं खाए, तो फिर संतोष आके बोलते हैं भैया खाना खा लो। तो फाइनली दूध आ गया हमारा, एंड तू पिया कि ना? हम तो पी लिए हैं। भाई साहब कुछ हो या ना हो लेकिन संतोष खाने में आगे रहता, तो फिलहाल हम भी खा लेते हैं, नहीं नहीं खा नहीं लेते, पी लेते फिलहाल। खाने पीने में देरी नहीं, क्यों? क्योंकि लगता है। सो फिलहाल गाइज आज के लिए यहीं तक, एंड फिलहाल अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, एंड वीडियो का एडिटिंग आधा कंप्लीट हो गया, आधा बाकी है वो कर लेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ गाइज, अभी तक आप लोगों ने अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया ना, तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड यूजर आईडी DeepakVlog01 है, तो जाकर फॉलो कीजिए। फिर सबसे कीमती वक्त निकलकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता आपका भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Oh, oh, oh.